दैट इज द कॉमन डिफरेंस. और अगर हमें फर्स्ट टर्म की हम बात करें तो मैंने आपको जैसे कहा कि दिस इज डिनोटेड बाय ए, डी कॉमन डिफरेंस है, तो दिस ए वन ए टू ए थ्री जो है दैट कैन बी रिटन एज ए. देन एक जो भी आपका डिफरेंस था कॉमन डिफरेंस वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म बिकम्स ए प्लस बी. फिर इसमें फर्दर आप डी ऐड करोगे तो आपकी थर्ड टर्म बन जाएगी ए प्लस टू डी. फिर आप डी ऐड करोगे तो दैट विल बी ए प्लस थ्री डी, दैट विल बी योर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ए वन जो है दैट इज इक्वल टू ए, इसको मैं ए प्लस जीरो डी लिख सकती हूँ. जीरो टाइम्स एनीथिंग इज जीरो, जीरो आप किसी में भी प्लस करो तो दैट इज सेम. ए टू अगर मैं लेके चलू तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस डी, इट कैन बी रिटन एज वन डी. देन ए थ्री थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ए प्लस टू डी. फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ए प्लस थ्री डी. अब यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट टर्म जब था यहाँ पे वन था, यहाँ जीरो था, यहाँ टू है सेकेंड टर्म, यहाँ पे वन है, यहाँ थर्ड टर्म में थ्री था, यहाँ टू है, यहाँ फोर्थ टर्म में फोर है, यहाँ थ्री है, वन लेस चल रहा है. ए वन इज ए, अकेला इसको ऐसे लिख सकते हैं या ए प्लस जीरो डी लिख सकते हैं. ए टू टू था यहाँ पे, वन लेस किया वन डी आ गया. थ्री था यहाँ पे, वन लेस किया ए प्लस टू डी आ गया. फोर था यहाँ पे, वन लेस किया ए प्लस थ्री डी आ गया. सेम वे में अगर मैं एन की बात करूं, nth टर्म इज डिनोटेड बाय ए एन, तो यहाँ अगर एन है तो हेयर वन लेस करेंगे, एन में से वन लेस आपने किया तो दैट बिकम्स एन माइनस वन इन टू डी. तो आपकी जो nth टर्म बनेगी दैट विल बी दैट इज डिनोटेड बाय ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. यानी कि जब भी आपको nth टर्म निकालनी है तो एट दैट टाइम यू विल यूज दिस एज अ फॉर्मूला, ए एन is equal to a plus n minus 1 into d. So this is the nth term of a AP with first term as a, common difference as d, or nth term ki hum baat kar rahe hain, to yahan pe n aa gaya. Let us suppose ki agar mujhe kisi bhi term ki, kisi bhi AP ki suppose 20th term nikalni hai. A 20. So kuch books mein ye aapko capital T se bhi denoted milega, T1. T2, T3, that's one and the same thing as A1, A2, A3. So, ye dono same hai, ek hi cheez ko represent kar rahe hai. It can either be A20 or it can be written as T20. 20th term dono represent kar rahe hai. So, that is equal to first term plus 20 hai yahan pe. Formula kya keh raha hai? N minus 1. Yani ki jo bhi yahan value hai, usse 1 less kar do. 20 se 1 less kar do, that is 19. D. So this is A plus 19 D. Same way mein, if I have to find out A 99, that is A plus 99 se 1 less karoge, that is 98 D. A 110, that is A plus 110 mein se 1 minus kar do, that is 109 D. So ye aapka koi bhi term agar humne nikalni ho, to is tarike se hum nikal sakte hain. एन की वैल्यू जो है वो हम ये लेके चलेंगे, इसमें से वन लेस करके डी से मल्टीप्लाई, और उसमें क्या ऐड करोगे, ए ऐड करोगे. तो दिस इज द जो भी टर्म की बात कर रहे हैं, दिस इज द 20th टर्म, दिस इज द 99th टर्म, दिस इज 110th टर्म, दिस इज nth टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म. तो बस ये ध्यान रखना है, जितनी टर्म की बात हो रही है वो नंबर यहाँ लिखोगे और वन लेस उसको लेके डी से मल्टीप्लाई एंड देन एड फर्स्ट टर्म टू दैट. आपको एपी गिवन होगा, एपी के अकॉर्डिंगली या अब यहाँ अगर आप देखो तो वन टू एंड थ्री आपके तीन अननोन्स हैं, फर्स्ट टर्म, nth टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस. तो जब भी आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये तीनों आपको गिवन होंगे. ओवरऑल यहाँ पे हमारे फोर अननोन्स हैं, फोर में से एनी थ्री आपको गिवन होंगे और फोर्थ वन आप निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको कौन सा वाला जो है वो निकालने के लिए कहा है. अब एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन बी द nth टर्म ऑफ द एपी. बस अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें नहीं भी गिवन है तो भी ए हम हमेशा फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं,
डी हम हमेशा कॉमन डिफरेंस लेके चलते हैं, और ए एन जो है वो हमेशा आप nth टर्म लेके चलते हो. आप टेबल के अकॉर्डिंगली फाइव सी तो मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. इसमें मुझे गिवन है, दिस इज योर एक्सरसाइज 5.2, मुझे यहाँ पे गिवन है ए की वैल्यू 7, बी मुझे गिवन है 3, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, एन मुझे गिवन है 8, और ए एन मुझे निकालना. अभी आपको मैंने फॉर्मूले में बताया है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. 1, 2, 3 and 4 अननोन्स है, 4 में से एनी 3 विल बी गिवन टू अस एंड द फोर्थ वन वी आर टू फाइंड. तो यहाँ पे जो फोर्थ वन है दैट इज ए एन, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब जो जो गिवन है वो पुट कर दो. एन कितना गिवन है 8, तो ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7d हो जाएगा. ए कितना गिवन है आपको 7, डी कितना गिवन है आपको 3, तो दिस इज 7 plus 21 दैट इज 28. तो ए एन की वैल्यू जो है आपकी, ए 8 की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 28. Now moving on to the second part. Second part में हमें क्या क्या गिवन है इसके, ए गिवन है -18, डी निकालना है, एन यू आर गिवन एज 10 एंड nth टर्म यू आर गिवन एज 0. यहाँ पे nth टर्म मुझे गिवन है 0. सो अगेन ए एन इज इक्वल टू, एन कितना है 10, तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d हो जाएगा आपका. 10 था, 1 लेस करके 9 आ गया. अब ए 10 मुझे 0 गिवन है, एन 10 था, तो दिस इज 0 इक्वल टू ए इज -18 प्लस 9 टाइम्स डी. डी आई हैव टू कैलकुलेट. अब -18 आपका इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम +18 इज इक्वल टू 9d. सो डी इज इक्वल टू 18/2, दैट इज 18/9, that is 2. तो D की वैल्यू आ गई आपकी 2. तो 4 आपके ये जो unknowns हैं, इनमें से any 3 are given to you and the fourth one you are to find. चलिए अब next आप करके देखिए जल्दी से, quickly do it fast. A आपको निकालना है, D you are given -3. This is your third part. A you have to calculate. D is given to be -3. N is 18 and AN is 5. Do it fast right now. मैं किसी भी बच्चे का नेम लेके पूछ सकती हूँ. Shantanu, you will answer this question. Be quick. Hurry up. Videos off. I can't see whether you people are doing or not. Only one child I can see. 2, 3, good. 4, very good. 5. बस वही है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वीडियोस ऑन कर देते हैं. शांतनु जी शक्ल दिखाइए अपनी. चलिए डू इट फास्ट, वेरी गुड. मणिकरण, वॉट अबाउट यू? Krishan, Soni, you are not visible to me. Camera Vishak, aapka on hai. Manikaran, turn on your camera. Shantanu. Do it fast, bache. Be quick. Three things aapko given hai. The fourth one, you will use the same formula. Find it out quickly. Hurry up.
वंश योर वीडियो इज ऑफ, आप कभी भी ऑन नहीं करते. कृष्ण उत्रा so I can't see if you are there or not. Prachi, you are also in the same category. Shantanu, done bache? Okay, what's the answer? Just a moment, let me unmute you. Yes, beta. My answer is coming zero. Your answer is zero. A is zero. Anyone else can confirm? Is it zero? It's wrong. It's not zero, bache. Just see your calculations once again. Okay, चलिए steps बताओ बेटे क्या लिखे हैं. You are having a n is equal to a plus n minus 1 into d. a n आपका zero given है. a आपको calculate करना है. n you are given as 18. a n is 5, not 0. a you are to calculate, then n आपका given है 18 minus 1 into d you are given as minus 3. So this is 5 is equal to, Shantanu check bache. Calculations check karo ek bar jaldi se kahan galti hai. Maine bhi yahan pe ek galti ki hai. जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंगली दिस इज करेक्ट, बट यहाँ पे बुक में आपका माइनस फाइव गिवन है. दिस इज माइनस फाइव, तो 46 विल बी योर आंसर. अब मुझे बताओ शांतनु कहाँ मिस्टेक थी बेटे. हैव यू गॉट योर मिस्टेक शांतनु. यस. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay, bache, okay, fine. So, rest of the parts, part number 4 and 5 are your homework parts. Moving on to question number 2 now. Choose the correct choice in the following and justify. 30th term of the AP 1074 is dash. So, aapke is tarah se MCQ wale questions bhi ban rahe hain, dekho beech mein. जरूरी नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ रहा है. वैसे तो जैसे आपका बताया गया है कि टर्म वन में यू विल बी हैविंग द एमसीक्यू बेस्ड पेपर, तो बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द सिलेबस क्योंकि अभी बोर्ड की तरफ से सिलेबस नहीं है. सो आपको हर क्वेश्चन हम डिटेल में अभी फिलहाल करवा रहे हैं हर चैप्टर का, बट इन द सेम वे यू कैन हैव योर एमसीक्यूज जैसे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन. आप इसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स है आपका, तो जो भी इवन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होगा यू नो इट वेरी वेल that you won't be able to find out the answer directly. So, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि concept clarity होगी, then only you will be able to do the questions. Now, in this question we are given, we are to find the 30th term of AP. This we are to find out. And we are given the AP as 10, 7, 4 and dash, dash, dash. First of all, क्योंकि ये हमें given है कि ये AP है, तो वी नो दैट द कॉमन डिफरेंस इज देयर. कॉमन डिफरेंस जब भी आप निकालोगे हमेशा ये ध्यान रखना दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी जो आपकी बाद वाली टर्म है उसमें से आप माइनस करोगे प्रीवियस टर्म. प्रीवियस में से जो आपकी प्रीसीडिंग टर्म है वो माइनस नहीं करनी है. सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग आप माइनस करोगे. यहाँ पे सेवन बाद में आ रहा है, टेन पहले आ रहा है, तो बाद वाली टर्म में से पहले वाला आपने माइनस करना है. दैट इज ए टू माइनस ए वन, तो सेवन माइनस टेन दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री. तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस थ्री. फर्स्ट टर्म है यहाँ पे मेरी टेन और मुझे निकालना क्या है, थर्टियथ टर्म निकालनी है. तो इट मीन्स एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, थर्टी. तो सब कुछ मुझे क्वेश्चन में गिवन था. दोबारा देखो इसको. In the form of MCQ, the 30th term of the AP 1074. I have to find out my answer for the 30th term. यानी कि मुझे A30 calculate करना है. AP मुझे given है 1074 and so on. तो first term जो है that is 10. जो भी first number पे number लिखा है हमेशा वो first term ले लोगे. A आपका 10 आ गया. Common difference के लिए consecutive terms लेनी है, चाहे आप 7 10 ले लो चाहे 4 7 ले लो.
सेवन में से टेन सब्ट्रैक्ट करोगे या फोर में से सेवन सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट योर डी एज माइनस थ्री. देन क्योंकि ये 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो एन की वैल्यू आपके पास हो गई 30. फॉर्मूला आपका सेम यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ए एन यानी कि ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस दिस विल बी 29 डी. अब वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर. ए यू आर हैविंग एज 10 एंड डी इज माइनस 3. So A 30 आ गया आपके पास माइनस 77. सो योर सी ऑप्शन इज द आंसर. करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. इफ एनी डाउट इज देयर टू एनी वन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर डाउट. अदरवाइज द सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू इज योर होमवर्क पार्ट, मार्क इट आउट. देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में अगेन यू आर हैविंग द सेम टाइप. In the following APs, find the missing terms in the boxes. जो आपका बॉक्स में टर्म मिसिंग है आपने उसको फाइंड आउट करना है. Now see the first one. First one में मुझे क्या गिवन है? I am given the 2, then box and then 26. 2 गिवन है मुझे, box गिवन है और 26 गिवन है. In all there are total 3 terms. And this value I have to find out. अगर मैं इसको अब देखूं यहाँ पे तो this is denoted by A, this is A plus B, this is A plus 2D. And मुझे क्या find out करना है? I have to find out its second term. Second term जो है मुझे इसकी find out करनी है. तो आप इसको check करो. A कितना given है आपके पास? D. A plus B मुझे नहीं पता. A plus 2D मुझे पता है. That is given to be 26. ये 2 है. अब a आपको 2 गिवन है, a प्लस 2d आपको 26 गिवन है. तो यूजिंग दीज 2 यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. a को यहां से 2 इधर पुट करके d की वैल्यू निकाल लो, d आ जाएगा, a में ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस सेकंड टर्म. तो फ्रॉम दिस इज योर 1, दिस इज योर 2. 1 को 2 में यूज करोगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. So this is A की जगह आप 2 पुट कर दोगे, 2 plus 2D is equal to 26, 2D is equal to 26 minus 2 that is 24, तो D आ गया आपके पास 12. Now you are having D, you are having A, you can find out the second term. So the term in the box that is A plus B, A है आपका 2, D आपका आया है 12, so that is equal to 14. So this is your answer. Got it? If any doubt is there, you can ask. Now moving on to the second part. Second part में देखो, first term भी missing है, second given है, third term भी missing है, फिर fourth term मुझे given. तो again ये वाले questions आपके बहुत simple हैं. Dash 13 dash 3. This is the second part of question number 3. अब दिस इज द फर्स्ट टर्म यानी कि ए मुझे नहीं पता, दिस इज द सेकेंड टर्म यानी कि ए प्लस बी दैट आई एम गिवन. तो ए प्लस डी की वैल्यू हो गई आपकी 13. उसके बाद फोर्थ टर्म ए प्लस 2D आई डोंट नो. थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D दैट इज गिवन. तो ए प्लस 3D हो गया मेरा यहाँ पे 3. दो इक्वेशंस बन गई ए और डी में. आपको पता है इनको सॉल्व कैसे करना है एंड यू कैन इजीली सिंप्लीफाई. तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ए ले लेंगे, दैट विल बी 13 माइनस डी. अब इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. यूजिंग 1 इन 2. फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, ए की वैल्यू क्या है, 13 माइनस डी. तो ए की ये वैल्यू 13 माइनस डी मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस 3D इक्वल टू 3, ये एज इट इज आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी. तो दिस इज 3D माइनस डी दैट इज 2D इक्वल टू 3 माइनस 13, डी इज इक्वल टू माइनस 5. डी आ गया माइनस 5, वो यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट ए.
put d is equal to minus 5 in 1. So a is equal to 13 minus 5. So that is 18. अब a आ गया 18, d आ गया minus 5. तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई. सेकेंड थर्ड टर्म हमने निकालनी है. दिस इंप्लाइज a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस 5, दैट इज 8. तो मिसिंग टर्म्स आर माइनस नहीं मिसिंग टर्म्स आर 18 एंड 8. So I hope this one is clear. If any doubt is there, you can raise your hand and ask your doubt. Now moving on to the fourth part. Third and fifth are your homework parts. We will discuss the fourth part now. Same way mein aap fourth part karoge yahan pe. Ab isme mujhe first term given hai fourth part mein aur sixth term given. First and sixth terms are given and the missing terms hain beech wali sari aapki minus 4 and 6 mujhe given hai. So I'm given a2 missing, a3 missing, a4 missing, a5 missing and then I'm given the sixth term as 6. Four boxes are there. So a aa jayega aapka minus 4. Then second term missing hai, third missing hai, fourth missing hai, fifth term missing hai, sixth term jo hai wo mujhe given hai, that is 6. So again using 1 into same method hai har question mein yahan pe. Yahan se a minus 4 idhar put karoge. तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 प्लस 4 10 d इज इक्वल टू 2. अब d आ गया, a मेरे पास है तो आई कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द मिसिंग टर्म्स. तो a2 a3 a4 a5 वी आर टू फाइंड. a2 इज 2 है यहाँ पे तो 1 लेस करोगे, दैट इज a प्लस b. a3 है तो a प्लस 2d आ जाएगा 1 लेस करके. 1 लेस d से पहले वाले उसमें करना है. a4 दैट इज a प्लस 3d एंड ए फाइव दैट इज ए प्लस 4d. अब वैल्यूज पुट कर दो. ए इज माइनस 4, डी इज 2, तो दिस इज माइनस 2. माइनस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 2, दैट इज 0. माइनस 4 प्लस थ्राइस ऑफ 2, दैट इज 2. माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स 2, दैट इज 4. तो माइनस 2, 0, 2 एंड 4. So this is your required AP. Fifth part is again your homework part. So if any doubt is there in this, so you can ask. Otherwise, we are moving on to the next. अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो यू कैन टेल मी. आई कैन गो अ लिटिल बिट स्लो ऑल्सो. बट इसमें क्योंकि वही सेम पार्ट रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल बिट फास्ट. ओके फाइन, थैंक यू मेहुल. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78. अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में गिवन है व्हिच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78, यानी कि 78 जो है मुझे वो टर्म गिवन है कि किस टर्म की वैल्यू जो है वो 78 होगी. तो जब भी यू आर टू फाइंड विच टर्म, कौन सी टर्म की बात हो रही है, तो यू विल एज्यूम दैट इज द nth टर्म. ठीक है, आपको यहाँ पे एपी गिवन है 3, 8, 13, 18. एंड सो ऑन. Let this be 78. मुझे ये find out करना है which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78.
तो जो भी टर्म निकालनी है उसको मैं क्या मान लूंगी, 78। मतलब जितनी टर्म है हम ये मान लेते हैं कि जो 78 वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द nth टर्म। तो यहाँ हम लिख लेंगे लेट an इज इक्वल टू 78। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू हमने मान ली 78 होगी। अब a मुझे गिवन है यहाँ पे 3, डी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, बाद वाली टर्म में से पहले वाली माइनस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने ले लिया a2 माइनस a1, सो दिस इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यू कैन टेक इवन a4 माइनस a3, सो दैट विल बी 18 माइनस 13, दैट इज 5। यू कैन टेक a3 माइनस a2, दैट इज 13 माइनस 8, अगेन 5। तो कॉमन डिफरेंस, आपका कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, बाद वाली में से पहले वाली माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। नाउ आई एम हैविंग ए, आई एम हैविंग डी, और मेरे पास ए एन की वैल्यू है, तो एन आई हैव टू फाइंड आउट, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो फॉर्मूला मुझे पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मुझे नहीं पता, तो अब ए एन की वैल्यू पता है 78, ए मुझे पता है 3, एन मुझे निकालना है, इसको एज इट इज ले लिया, डी आई नो इज 5। अब अगेन देखो, एक अननोन रह गया, तो आफ्टर सॉल्विंग आई कैन फाइंड आउट दिस अननोन, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, 3 आप इधर लेके आओगे तो दैट विल बी 78 माइनस 3, देन 5 टाइम्स एन माइनस 1, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, तो दिस इज एन माइनस वन, 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन आपका दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो प्लस वन हो जाएगा, सो योर आंसर इज एन इज इक्वल टू 16। एन इज इक्वल टू 16 मीन्स 16th टर्म ऑफ एपी, गिवन एपी इज 78। कि 16th टर्म अगर हम A16 फाइंड आउट करें तो दैट इज इक्वल टू 78। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। दोबारा देख लो इसको, हमें इसमें उसने पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी, गिवन एपी इज 78। एपी मुझे गिवन थी 3 8 13 18, मुझे निकालना है कौन सी टर्म की वैल्यू 78 बनेगी, इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो ए एन गिवन है 78, जो जितनी भी जब भी विच टर्म वाला क्वेश्चन आता है आपने क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है लेट दैट बी इक्वल टू ए एन। हम कोई भी टर्म निकालनी है तो एनथ टर्म मान के चलेंगे कि एनथ टर्म उन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, एनथ टर्म की वैल्यू 78, तो मैंने ए एन को ले लिया 78। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो 5 आ गया। फॉर्मूला लगाया हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बिकॉज विच टर्म की बात हो रही थी, टर्म हमने टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। सो आंसर यू विल राइट डाउन एन, क्योंकि 16 आया था तो 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू विल डू योर सेल्फ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इसमें आपको एपी 7 13 19 गिवन है, तो 7 आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे, और 205 को आप ए एन लेके चलोगे, बिल्कुल सेम मेथड है, तो दैट यू विल डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप कर लेना, फर्स्ट सेकंड होमवर्क नोटबुक पे करना और फर्स्ट प्रैक्टिस नोटबुक में क्लास वर्क में करना। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो सी दिस क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। मुझे चेक करना है कि -150 जो मुझे एपी गिवन है उसकी एक टर्म है या नहीं है। तो -150, अब वही चीज आ गई कि -150 को मुझे चेक करना है कि उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मान लूंगी लेट ए एन इज इक्वल टू -150। मैंने ये मान के चला कि
कि -150 जो है वो उस जो गिवन एपी है उसकी nth टर्म बन रही है. गिवन एपी मुझे क्या है 11852. तो इसके अकॉर्डिंगली ए फर्स्ट टर्म इज 11, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज गिवन टू बी -3, और एन मुझे नहीं पता, एन मुझे निकालना है क्योंकि -150 मैंने इसको मान लिया सेम वैसे ही जैसे फोर्थ क्वेश्चन था. तो मुझे एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, अगर आपका एन एक इंटेग्रल वैल्यू आ रहा है, एन अगर इंटीजर आ रहा है देन वो उसका जो है nth टर्म बनेगी. अगर n आपका फ्रैक्शंस में आ जाता है, डज नॉट बिलोंग टू z आता है, इंटीजर पार्ट नहीं आ रहा, देन वी विल से कि ये उस गिवन एपी का जो है वैल्यू नहीं हो सकती. किसी भी टर्म के लिए कोई वैल्यू जो है वो आपकी -150 नहीं आएगी. तो सिंपली वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो सेम वही फॉर्मूला आप यूज कर लोगे. I can see the number of students getting lesser and lesser. So just take care of this कि जब तक आपका lecture over नहीं होता, you are not supposed to leave the meeting. अब यहाँ से n calculate करो बच्चे जल्दी से, क्या value आएगी? Do the calculations quickly. अगेन अब यहाँ ध्यान दो, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आप पहले ऐसे कर सकते हो, ये नेगेटिव साइंस आपने दोनों के कैंसिल आउट कर दिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सो दिस इज 161/3, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन. एलसीएम ले लोगे तो आपके पास 164/3 आ जाएगा. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका 54 एंड 2/3 आएगा, विच इज नॉट एन इंटीजर. या विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हो. तो ये जो आपका नंबर है दैट शुड बी एन इंटेग्रल वैल्यू, विच इज नॉट एन इंटीजर. देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ, या नो टर्म ऑफ दिस कैन हैव द वैल्यू एज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी. -1, यस मेहुल. मैं एक बार होमवर्क पार्ट्स बता दो सारे. होमवर्क पार्ट्स हैं बच्चे आप 5.1 के भी, हम 5.1 के भी, 5.1 के, जस्ट अ मोमेंट. 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ पार्ट, सेकंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो सेकंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड फोर्थ एंड 8th, सेकंड फोर्थ 8th एंड आफ्टर दैट 14th पार्ट. Then 5.2 के मैंने साइड बाय साइड आपको बता दिए हैं. दिस 6th क्वेश्चन आल्सो यू आर टू डू इन योर होमवर्क बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट में ये जरूर लिखना है -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी. सो विद दिस योर टाइम इज ओवर. सो वी विल डू द क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट ओनली. इफ एनी डाउट इज देयर, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट.